आप एक नामी पुलिस अफसर हैं, छूटते ही गोली मारने वाले अपराधियों से लोहा लेते हैं, फिर अपने अनुभवों पर किताब लिखते हैं और किताब पर बन जाती है हिटो हिट वेब सीरीज। ये तो सफलता की कहानी का सुखांत होना चाहिए था, है ना? पर असली प्रपंच यहीं से शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे अफसर आपकी पीठ ठोकेगा, शाबाशी देगा, लेकिन बिहार के आईपीएस अफसर अमित लोढ़ा से पूछिए कि उनके सितारे कैसे पलट गए। 1998 में वो 25 बरस की उम्र में पहले अटेम्प्ट में आईपीएस बन गए। ढेर सारे ख्वाब लेकर बिहार पुलिस ज्वाइन की, तय किया कि गैंगस्टर को नहीं छोड़ना है। इन्हीं गैंगस्टर्स के साथ अपनी भिड़ंत की कहानी उन्होंने लिखी बिहार डायरीज में, जो कि एक किताब है, और इस पर नेटफ्लिक्स ने एक शानदार वेब सीरीज बनाई, खाकी द बिहार चैप्टर। हो सकता है आपने से बहुतों ने देखी हो, कुछ लोगों ने मिस कर दी हो। इस सीरीज में दिखाया गया कि कैसे एक पुलिस अधिकारी एक खूंखार गैंगस्टर को तमाम गोली गाली चलने के बाद पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो गैंगस्टर जिसने बिहार के शेखपुरा जिले में आतंक मचाया हुआ था। आप सोचेंगे कि उन्हें इसके लिए पैसे तो मिले ही होंगे, साथ ही साथ विभाग से शाबाशी भी मिली होगी, पर नहीं। अमित लोढ़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने साजिशन भ्रष्टाचार किया और गलत तरीके से पैसा कमाया। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली बिहार पुलिस की यूनिट ने अपने ही अफसर के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। इसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को बिना अनुमति के किताब लिखने की छूट नहीं है और ना ही उससे पैसा कमाने की छूट है, और अमित लोढ़ा ने यही किया, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर को पुलिस ने बताया कि अमित लोढ़ा ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद नेटफ्लिक्स और खाकी वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है फ्राइडे स्टोरी टेलर प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ बिजनेस तो किया ही, पैसे भी कमाए। इस दौरान वो मगध रेंज में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर तैनात थे। जांच एजेंसियों ने कहा है कि इस पूरे मामले पर पहले एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसके बाद ही लोढ़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। यही नहीं, उन पर काले धन को सफेद यानी कि ब्लैक को व्हाइट करने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने IG लोढ़ा के खिलाफ दर्ज FIR में साफ लिखा है, गलत तरीके से कमाई करने और काले धन को सफेद करने के लिए अमित लोढ़ा ने अवैध गतिविधियों का सहारा लिया। उन्होंने वेब सीरीज बनाने के लिए अपनी किताब का गलत तरह से इस्तेमाल किया। ये थे FIR के शब्द। काम आप कितना ही अच्छा करें, लेकिन नियम कानून का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना जितनी तेजी से शोहरत मिलती है ना, उससे दुगनी तेजी से जा भी सकती है। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे है पंकज, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक।